हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू दी पॉट पेंटिंग आइडिया इन इजी वे। पॉट है जो बिरयानी हंडी है, एक्चुअली जो हमने बिरयानी मंगाई थी उसमें मुझे मिला था, तो मैंने इसे धोया और नाउ आई एम गोइंग टू पेंट इट विथ दी येल्लो एक्रेलिक कलर। तो इस तरीके से मैंने येलो कलर करके इसे सूखने दिया। अभी मैं इसका जो बॉर्डर है पॉट का वो कलर कर रही हूँ विद दी रेड एक्रेलिक कलर। सो दिस पॉट ये कुछ 10-15 दिन सूखी रहा था। आई डिडंट गेट द टाइम टू कम्प्लीट इट। तो इन ईजी वे आप बस रेक्टेंगल शेप बना सकते हो, कोई भी शेप, राउंड, रेक्टेंगल, वॉट एवर यू लाइक। मैंने यहाँ चुना है राउंड शेप इसे कलर करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट एक्रेलिक कलर से आपके जो भी अभी ये बैकग्राउंड के अगर येल्लो कलर है तो आप ब्राइट कलर दोगे, जैसे ब्लू एंड डार्क येल्लो एंड ब्राउन और ऑरेंज रेड, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। जस्ट आपको कुछ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट इन दिस। आप जस्ट रैंडमली राउंड शेप दे दो इसको एंड जस्ट डू इट लाइक दिस। तो ये कलरिंग होने के बाद मैंने इसे पॉट को सूखने दिया। अभी मैं इस पे यूज़ करने वाली हूँ ब्लैक परमानेंट मार्कर। ब्लैक परमानेंट मार्कर से मैं इस पे एक फ्लावर का शेप ड्रॉ करूँगी और बस। इसमें भी आपको कोई परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रैंडमली आप फ्लावर शेप या कोई भी शेप आप ड्रॉ करके कर सकते हो उसके ऊपर। तो इस तरीके से मैंने रैंडमली इस पे डॉट्स, लीव शेप्स दे दिए हैं विदाउट एनी परफेक्शन, जस्ट मैंने ड्रॉ किया है एंड लेट्स सी ये कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत लुक देने के लिए मैंने ये टेसेस बनाए हैं और जूट रूप से उसे बांध कर मैं भी पॉट पे अरेंज कर रही हूँ। जस्ट मैं नॉट बांध रही हूँ और मैं इसे राउंड शेप में इसे बांध दूंगी। ये प्लांटर के जैसे भी यूज़ कर सकते। कमिंग टू अवर नेक्स्ट पॉट, इस पर मैंने धो के पानी में भिगो के रखा था। नाउ मैं अभी इस पर मास्किंग टेप लगा रही हूँ इस तरीके से राउंड शेप में। और मास्किंग टेप लगाने के बाद जो भी ओपन पॉट है उस पर मैं ग्रीन एक्रेलिक कलर कर रही हूँ। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। तो ये पॉट सूखने के बाद मैं अभी ये जो मास्किंग टेप हमने लगाई थी वो मैं रिमूव कर रही हूँ।
यू कैन सी एक परफेक्ट शेप आया हुआ है मास्किंग टेप लगाने की वजह से कलर्स में। कुछ कुछ जगह पे ये कलर अब लीड हुआ है देख सकते हो, तो आप ब्रश से उसे प्रॉपर शेप कर सकते हो। अभी इसमें भी मैं कुछ भी पहले से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ या कुछ भी, जस्ट रैंडमली मैं ब्रश से जो ओपन स्पॉट है वहाँ पर मैं सीधी तरीके से डॉट बना रही हूँ विद द ऑरेंज एक्रेलिक कलर। आप ब्लैक परमानेंट मार्कर से इस तरीके से फ्लावर ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज ऑप्शनल। और मैं भी, मेरे पास गोल्डन एक्रेलिक कलर था तो मैंने जस्ट रैंडमली सोचा कि ग्रीन कलर पे गोल्डन एक्रेलिक कलर करूँगी तो और सुंदर लगेगा पॉट, तो जस्ट मैं राउंड उस पर भी शेप दे रही हूँ। So this is how our pot is completed. प्लेट टाइप आप देख रहे हो इसके ऊपर, ये एक्चुअली एक छोटा सा पॉट था जो टूट गया, तो उसके नीचे का जो बेस होता है वो यहाँ पे रह गया, तो इस पॉट पे ये प्रॉपरली बैठ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी कलर कर दूँ। मैंने इसे जस्ट वाइट एक्रेलिक कलर से मैंने जस्ट फ्लावर वाला प्लेट इस पर बना दिया रैंडमली, एंड दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। So this is how second pot is ready. मैंने इसे as a planter use किया है, मैंने इसमें पानी डाला है और ये मनी प्लांट और that is the एलोवेरा, ये भी मैंने इसमें डाला हुआ है। और ग्रीन पॉट है तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें प्लांट ही रखा जाए। वैसे आप इसे कुछ भी चीज़ें रखने के लिए जैसे पेन पेंसिल्स और एनीथिंग आप रखने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो, मैंने इसे प्लांटर यूज़ किया है।